तो मन में आया होगा ना कि वो कौन सी तीन बातें हैं जिससे सिलेक्शन हो जाएगा सारी बातों को एक एक करके बताऊंगा बहुत ध्यान से इस बार एस एस सी जी डी की जो वैकेंसी हैं छब्बीस वैकेंसी इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आज जो आपको मैं तीन बातें जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगी वो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं टिल एग्ज़ाम तक एग्ज़ाम तक तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता का श्रेय हंड्रेड परसेंट आप ही को जाएगा और आपको वो करने में बड़ी मजा आएगी वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है बहुत ध्यान से समझना देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं बहुत ध्यान से समझनी है आपको जैसे कि अगर मैं पिछली बार की बात करता हूं जैसे 2022 की अगर बात करता हूं तो पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें लगभग लगभग चौवन लाख फॉर्म पड़े थे और जब चौवन लाख फॉर्म पड़े थे तो उसमें जो वैकेंसी की संख्या थी वो थी पचास हजार के आसपास पचास हजार प्लस चौवन लाख फॉर्म पड़े थे उसके पहले बात करें तो पच्चीस हजार वैकेंसी थी और उसमें फॉर्म की संख्या थी सत्तर लाख के आसपास फॉर्म ज़्यादा थे वैकेंसी कम थी ये मैं दो की बात कर रहा हूँ दो की वैकेंसी में अभी जो 2023 में आपके सामने वैकेंसी आई है जिसका एग्ज़ाम आपका फरवरी तक में होना होगा या उसके पहले बाद में होना होगा इसमें वैकेंसीज की जो संख्या है वो छब्बीस वैकेंसी है और मैं अगर एक अंदाज़ा लगा लूँ तो इसमें तकरीबन तकरीबन इस बार भी 50 लाख से कम फॉर्म नहीं पड़ेंगे ऑल इंडिया से एस एस की बात कर रहा हूँ सभी पोस्ट को मिलाकर सभी को मिला के बाद तो अगर मैं मोटा मोटा एक चीज़ देखता हूं कि छब्बीस हज़ार पोस्ट को मगर मैं पच्चीस हज़ार ही मान लेता हूं थोड़ा और इस पर पचास लाख फॉर्म पड़ने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को पचास लाख फॉर्म पड़ने वाले हैं इतने फॉर्म पड़ने वाले हैं ठीक है तो ये तीन जीरो से अगर ये तीन जीरो चार जीरो को हम खत्म कर देते हैं तो हमारे पास ऊपर मिलेगा पच्चीस और नीचे हमारे पास मिलेगा पाँच हज़ार गणित की भाषा में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक बटे दो सौ आ जाएगा यानी बड़ी सीधी सी बात है कि 200 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होगा उन 200 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होना है तो आप में ऐसा क्या है कि आपका सिलेक्शन उन 200 बच्चों में आपके लिए हो जाए आप ऐसा क्या करोगे कि वो 200 बच्चों में आप शामिल हो आपका एक नाम हो तो उसके लिए ही आपको तीन बातें जो कि इसमें से एक बच्चा फॉलो नहीं करेगा और एक बच्चा जो फॉलो करेगा वो होगा वो तीन बातें यहाँ पे लिखी हैं अब आप ये सोच रहे होगे यार कोई भी उठा के मुंह उठा के आता है ज्ञान देने के लिए तो मैं अपने बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है मेरा नाम है अनुराग दीक्षित वर्ष 2014 10 अगस्त से लेकर अभी तक मैं इसी शिक्षण कार्य में हूँ लगातार ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ अपने अगर सिलेक्शन की बात करूँ तो वर्ष 2014 2016 में मैं एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हुआ था एज ऑडिटर नंबर कम थे इसलिए इंस्पेक्टर नहीं हो पाया था वर्ष 2009 में वाई ग्रुप में सिलेक्ट हुआ था एज अ एयरमैन और एनडीए और सीडीएस के तीन तीन बार मैंने रिटर्न भी क्वालिफाई कर रखे तो मुझे परिपूर्ण अनुभव यह है कि आपका जो एग्जाम होगा किसी भी चीज का एग्जाम उसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं मैं आपको क्या बातें बता सकता हूं मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूं कि आपको सिलेक्शन तक ले जाने के लिए हम जो करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा हंड्रेड परसेंट तो मुझे ये पता है खैर अब आता हूं मैं ये तो मेरे विषय की बात हो गई मैं वापस से उस बात पे आता हूं सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जितनी भी रील्स होती है ना जो रील्स मतलब इन द सेंस आपके पास जो रैंडम वीडियोज आते हैं आपने फोन खोला और फोन में आपके पास तमाम तरीके के उलझल उल जुलूल वीडियो इधर उधर से जल्दी जल्दी आते हैं वो वीडियो आपको देखने बंद करने होंगे जो शॉर्ट वीडियो होता है ना इसमें अपना दिमाग और ध्यान और समय दोनों बहुत वेस्ट होता है तो ये समय आपको बचाना है ये वीडियोस कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं कि अगर मैं बात करूं तो रैंडम वीडियोस जो रील्स होती है कभी एक हंसी की वीडियो आ गई कभी एक रोने की वीडियो आती है तो अपना जो दिमाग होता है वो स्थिर नहीं हो पाता है वो एक बार इमोशन पकड़ता है कि हंसना है एक बार वो सोचता है कि रोना है तो जब ऐसा होता है ना तो दिमाग की स्थिरता धीरे धीरे कम होने लगती है तो इसलिए हमारा पहला सजेशन आप सभी बच्चों के लिए ये है पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ये आपको रील्स देखनी बंद करनी है हंड्रेड परसेंट दूसरा काम आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है यानी नियमित होना ही होगा किसी भी चीज़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नियमित होना है अगर आप ये मान के चलते हैं कि अगर हमें निश्चित तौर पर पाँच घंटे डेली पढ़ना है तो तूफान आए या आंधी आए आपको ये पाँच घंटे अपने पूरे चौबीस घंटे में पढ़ाई के लिए निकालने हैं कैसे भी निकालिए और इस रेगुलरिटी को मेंटेन करके चलिए कब तक इस रेगुलरिटी को मेंटेन करके चलिए एग्जाम तक क्योंकि एग्जाम के बाद आप इस रेगुलरिटी को जो शुरुआत में मेंटेन कर रहे हैं ना ये आपको रिजल्ट देगा तीसरी और सबसे बड़ी बात किसी भी प्रकार के शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है मित्र मेहनत और सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है देर इज नो एनी की ऑफ सक्सेस देर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ सक्सेस की तो ये है कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफलता मिलनी तय है तो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े ये शॉर्टकट के चक्कर में मैं लाइफ की भी बात कर रहा हूँ और जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो पढ़ाई में भी कई सारी चीज़ें जो होती है जो आप शॉर्ट ट्रिक के नाम से जानते हैं शॉर्ट ट्रिक आपको तब आनी चाहिए शॉर्टकट आपको तब आने चाहिए जब आप उस चीज के पूरे लूप को जानते हों आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो यहाँ से जाने के बाद ये रास्ता हमारा कैसे कैसे जाएगा तब तो आप शॉर्टकट ले लीजिए लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि रास्ता हमें कैसे लेकर जाएगा तो आप शॉर्टकट मत लीजिए इनके चक्कर में मत पड़िए कई बार क्या होता है बच्चे अनभिज्ञता के कारण या अनजान चीज़ों के कारण इन चीज़ों में फंसते हैं शॉर्टकट में फँसते हैं तो आपकी तैयारी अभी से शुरू हो रही है इस वजह से मैं आपको ये तीन बातें सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन तीनों को जितना समय रहते हैं छोड़ दीजिए तो आपके लिए फ़ायदा होगा सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट होगा अब आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हमारा चैनल आपके लिए YouTube पर क्लासेस कंडक्ट करा रहा है एस एस की और उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है चलिए बात करते हैं देखिए हमारे यहाँ एस एस की जो क्लासेस हैं वो दिनांक चार तारीख से चार दिसंबर 2023 से चार दिसंबर 2023 से शुरू हो रही हैं और दिन है सोमवार ठीक है चार दिसंबर 2023 से एस एस की प्रॉपर क्लासेस शुरू हो रही हैं एस एस की जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा आपको डेली तीन क्लासेस मिलेंगी आप सबसे पहले तो टाइमिंग नोट कर लीजिए शाम को पांच बजे डेली आपको मैथ की क्लास मिलेगी टॉपिक वाइज किससे टॉपिक वाइज मिलेगी यानी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज और इस टॉपिक और चैप्टर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना वो आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज में ठीक दूसरी चीज शाम को छः बजे से जो क्लास मिलेगी वो शाम को छः बजे से क्लास आपको जीएस सब्जेक्ट की मिलेगी और तीसरी क्लास जो शाम को आठ बजे से मिलेगी वो क्लास आपको आठ बजे से मिलेगी रीजनिंग की ठीक है किस सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी रीजनिंग की तो इस प्रकार से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं मंडे से यानी कि चार दिसंबर दो से अब इसके बाद भी कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा समय आपका और लूंगा बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं ठीक है थोड़ा ही सा समय आपके लिए और लेने वाला हूं और उसमें मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को किन्नी किन्हीं चैप्टर में बड़ी दिक्कत होती है उन्हें लगता है कि यार ये कैसे पढ़े ये कैसे पढ़े तो उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप हमारी प्लेलिस्ट लिस्ट पढ़ लीजिए एक भी शब्द अगले पांच सालों तक अगर एस एस की परीक्षा में बाहर आए तो दोबारा आप मेरा मुह मत देखिएगा एक भी शब्द अब वो क्या क्या प्ले लिस्ट है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना भाई सबसे पहली प्लेलिस्ट है ये एच और एल की है इस एच और एल की प्लेलिस्ट में आपके सामने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है इसमें आपके पास तकरीबन कितने वीडियोस हैं पांच वीडियोस हैं इसमें पूरा एच और एल आपका खत्म होगा पूरा का पूरा ठीक है अच्छा दूसरी प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से तो दूसरी प्ले हमारे पास कौन सी है जो आपको चैप्टर के लिए बड़ा वो फायदा देगी ये है सरलीकरण चैप्टर की आपने आज तक सरलीकरण ऐसे नहीं पढ़ा होगा ये सरलीकरण चैप्टर के सात वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सब मिलेगा ठीक है उसके बाद अगली प्लेलिस्ट की अगर बात करें तो औसत चैप्टर के भी ये हमारे पास पांच वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपको बिल्कुल शुरू से देखने हैं हंड्रेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पूरा बेसिक के साथ इसी प्रकार से अगर बात करूँ तो अनुपात और समानुपात के ये वीडियोज़ पड़े हुए हैं तकरीबन छः और ये भी आपको पूरा पूरा पढ़ डालना है नोट्स बनाते हुए ठीक है अच्छा ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है क्लासेस का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है अब अगली बात करते हैं फिर से वापस आ जाते हैं उसी पर तो ये जो चीज़ें हैं ना जिसको आपको क्या करना है अपने पास से हटाना है पहली रील्स नहीं देखनी है रैंडम वीडियोज़ नहीं देखने हैं दूसरा रेगुलरिटी मेंटेन करके चलनी है और तीसरा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है तब आप क्या होगा कि इन 200 बच्चों में से जो एक बच्चा सिलेक्शन के कगार पर पहुंचता है उसमें अपने नाम को देखेंगे क्योंकि जिस हिसाब की वैकेंसी है उस हिसाब से पढ़ने वाले फॉर्म अभी तो ये पचास लाख मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ अभी जब फॉर्म पड़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे फॉर्म पड़े हुए हैं ठीक है तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए ऐसे ही छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियो किसके साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लासेस का टाइम पाँच बजे छः बजे और शाम को आठ बजे चार दिसंबर दो से एस एस स्पेशल ठीक है थैंक यू एंड जय हिंद